अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमर और नाज़रीन आज मैं दोबारा आया हूँ योरो पार्क में और इस दफ़ा मेरा जो टारगेट है मैं आपको दिखाऊँ ये है योरो पार्क। मैं लास्ट टाइम इसकी वीडियो बनाई थी लेकिन लास्ट टाइम मैं ये योरो फॉल्स है ये नहीं मैं आपको दिखा सका, तो आज मैं यहाँ तक चल के जाऊँगा योरो फॉल तक और मैं आपको दिखाऊँगा। अभी जो सा है मैं यहाँ पर हूँ, 0.9 किलोमीटर में चढ़ना है पहाड़ और 15 मिनट तकरीबन लगेंगे, तो चलते हैं यहाँ से। मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको रास्ता में दिखाता रहता हूँ, मैं आपको नज़ारा दिखाता जाता हूँ कितनी खूबसूरत ये जगह है। लास्ट टाइम मैं आपको नहीं दिखा सका कि मेरा डे 99 है और वीडियो मेरी 99 है, वीडियो भी 99 है, तो चलते हैं। मैं थोड़ा रिफ़्रेश होने आया हूँ, 100 के टारगेट को पूरे करते करते मैं थक गया था तो मैं सोचा कि थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाऊँ। चलते हैं, रास्ता में आपको दिखाता हूँ बहुत खूबसूरत जगह। तो शुरू करते हैं अपना सफ़र। ये है योरो पार्क का एरिया और लास्ट टाइम मैं आपको ये नहीं दिखा सका, मैं पानी का नज़ारा आपको दिखाया था, मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने जो सा इरादा किया कि मैं आपको फॉल तक लेके चलता हूँ। ये कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है और आज हवा जो सी है बहुत ज़बरदस्त है। ये योरो फॉल 870 मीटर है यहाँ से। तो बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म की ये इमारतें हैं और आप देख सकते हैं जापानी इमारतों का अपना ही मज़ा है, इसकी अपनी खूबसूरती है। तो ये रास्ता है, देखने में तो आपको सीधा लग रहा है लेकिन ये ऊंचाई की तरफ मैं जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, देखें मैं ऊंचाई की तरफ जा रहा हूँ। ये देखें इस पहाड़ पे चढ़ते हुए टोयोटा यारिस खड़ी है, वो भी लेटेस्ट मॉडल में। ये भी ट्रेडिशनल किस्म की दुकान है। एक हज़ार यन का मेरा स्टिक, तो ये पहाड़ पे चढ़ने की मदद तो ज़रूर देगी लेकिन अभी तक मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं इसे ख़रीदूँ। तो चलते हैं आगे। बहुत ही फ्रेश एयर है यहाँ की, मज़ा आ जाता है इस एरिया में आके। ये जो जगह है योरो पार्क और योरो फॉल तक का जो एरिया है ये जापान में मेरा सबसे पसंदीदा एरिया है, बहुत ही खूबसूरत है। जब बंदा यहाँ पे आता है बहुत फ्रेश फील करता है। यहाँ की जो हवा है जिसे कहते हैं ना मज़ेदार हवा, ये वो हवा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। आप ये देखें नीचे पानी, आप देखें मैंने अपनी योरो की पहली वीडियो में भी बताया था ये पानी इतना साफ़ होता है कि आप इसे पी सकते हैं। देखने कितना अच्छा चश्मा यहाँ से बह रहा है और ये मुसलसल नीचे तक जाता है, तो मैं इसकी टॉप पे जा रहा हूँ जहाँ पे योरो वाटरफॉल है, वहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत है। सांस तो मुझे चढ़ रहा है, थकावट तो यहाँ पर होती है लेकिन बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है यहाँ पे, तो और ऊपर चलते जाते हैं। तो अभी 440 मीटर रह गया है और आप देख सकते हैं जापान में जो भी इस तरह की खूबसूरत जगह होती है उनको कितना अच्छा साफ मेंटेन रखा होता है, यहाँ तक के बुज़ुर्गों के लिए ये हाथ पकड़ने वाला भी लगाया हुआ है।
जिससे बुजुर्ग होल्ड करके ऊपर तक जा सकते हैं। फिर ये नेट, इतना बड़ा ये स्टील का नेट लगाया हुआ है जिससे जानवर वगैरह यहाँ पे ना आए। तो इस तरह आप सेफ ऊपर तक जा सकते हैं। ये दरख्त देखें, तो अगर आप जापान में आते हैं और आपने जापान की ग्रीनरी को एंजॉय नहीं किया तो समझे आपने कुछ नहीं देखा। जापान की ग्रीनरी देखने वाली है, यहाँ पे आके आप आराम करें, रिलैक्स हो, बेस्ट है। अब यहाँ से जो है सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं, वो ऊपर तक मुसलसल सीढ़ियाँ हैं। अल्लाह अकबर, बिल्कुल एक जन्नत का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरती है यहाँ पे। अब तो और भी ख़तरनाक सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं, तो लगता है थोड़ी देर आगे और है। पहाड़ चढ़ते वक्त वापसी का बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप वापसी का सोचेंगे तो आप ऊपर नहीं चढ़ सकेंगे। वापसी का प्लान एकदम फाड़ के करें, फिर वापसी का बाद में सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल ना सोचना। वापसी का सोच के ऊपर जाना, बहुत बुरी हालत होगी मेरी वापसी पे। काफी ये मुश्किल रूट है, देखें। तो नाज़रीन, फाइनली ये रहा योरो का वाटरफॉल। तो आप देख सकते हैं ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक बह रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है। तो और ऊपर चलते हैं अभी। तो ये रहा नाज़रीन योरो फॉल टॉप व्यू। वो है योरो फॉल और इसके साथ आप देखें ये छोटा सा चश्मा बह रहा है, और यहाँ पे जो सा है ये पड़ा है, इसको आप लेके और इसके ऊपर आप अपनी विशेस लिख के यहाँ पे लगा सकते हैं। जापान में अभी भी देखें इस तरह का कल्चर होता है। और आपने ये जब लेनी है चीज़ तो ये 300 येन की है, ये किस्मत अपनी देखने के लिए 200 येन पे करें, और अपनी विशेस देने के लिए यहाँ पे 300 येन। आपने कहाँ पे करना है वो है डब्बा नीचे पड़ा, इस डब्बे के अंदर आपने पैसे डालने हैं। जैपनीज ईमानदार होते हैं, इनको भी यकीन है कोई यहाँ से पैसे हेरा फेरी नहीं करेगा। सब पैसे देने के बाद फिर यहाँ पे देखें अपनी विशेस लगा के जाते हैं। तो इसमें से एक मैं विश आपको दिखाता हूँ, जिस तरह यहाँ पे लिखा है सीगो तो गा मा कोई कीमा सियो नहीं जुत तो सियावा से नहीं इरानी मा सियो नहीं, यानी कि मेरा काम जो है कारोबार अच्छा जाए और मैं हमेशा खुश रहूँ, उसकी दुआ की है इन्होंने। ये सारे जो से दिखें तकरीबन आजकल की डेट है ये सारी, तो सब ने आजकल की दुआएं अपनी लिखी हुई हैं यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत मंजर है ये, अगर आप जापान में हैं तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। इसके बाद मैं नीचे जाऊँगा वापस चलता हुआ। तो ये थी नाज़रीन मेरी आज की वीडियो, आज मेरे 99 डे और 99 वीडियो जो थी कम्प्लीट हो गई है। उसकी खुशी में मैं आज यहाँ पे रिलैक्स होने आया था। कल जो सी है मेरी लास्ट वीडियो है, इंशाल्लाह वो सब मैं आपके साथ गुजारूँगा।
जापान टाइम रात 8 बजे 1 सितंबर को लाइव यूट्यूब के ऊपर आऊँगा, तो आप ज़रूर मुझे लाइव देखें। और आज के लिए मैं दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।